दुर्दशा कर दी गई, और खासतौर पर हम ये कहेंगे कि जो पिछली सरकार है फाइनेंशियल फ्रंट पे पूरी तरह नाकाम हो गई, और उनके उस वजह से जो है आज जो भारी भरकम कर्ज का जो पहाड़ खड़ा हो गया हिमाचल प्रदेश के आगे, वो पिछली सरकार की जो है गलत नीतियों और कार्यक्रमों की वजह से हुआ। तो उसकी सारी समीक्षा की गई है कि किस ढंग से इन्होंने हमारे जो खर्चे थे उनको नियंत्रित करने के लिए कोई कदम नहीं उठाया गया, रिसोर्सेज को जनरेट करने के लिए कोई कदम नहीं उठाया गया, और जो पैसा प्रदेश को मिलना चाहिए था उसकी लड़ाई जो है किसी स्तर पे लड़ी नहीं गई। तो आज तो सिर्फ शुरुआती मीटिंग में हमने ये देखा है कि क्या 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 स्थितियां हैं, बोरिंग की क्या स्थिति है, आय क्या है, संसाधन क्या है, क्या क्या पिछले सालों में हुआ है, लेकिन इतना बड़ा स्पष्ट है कि हिमाचल प्रदेश की जो मौजूदा स्थिति फाइनेंसेस की वजह से जो आज हम ओवरड्राफ्ट में जा रहे हैं या आज हमें कर्जे जो उठाए जा रहे हैं वो इनके द्वारा भारी भरकम उठाए गए कर्जों की अदायगी के लिए किया जा रहा है, वो रीपेमेंट करना जो है एक चुनौती बनी हुई है। तो इसलिए अभी तो इससे ज्यादा कुछ नहीं कहा जा सकता, ये बिल्कुल सीक्रेट डॉक्यूमेंट है और हम लगभग एक महीने के अंदर अपनी रिपोर्ट माननीय फुल कैबिनेट को के सामने प्रेजेंट कर देंगे। सर पिछली सरकार ने सर कितना कर्जा छोड़ा था और अब इस वक्त मौजूदा सरकार ने कितना कर्जा लिया है? नहीं देखिए, अभी हम इससे ज्यादा किसी डिटेल में अभी पढ़ना नहीं चाहते। हमारा मैंडेट जो है वो कैबिनेट के समक्ष जो है बात रखने का है, तो हम ज्यादा आपसे इसमें डिटेल में बात नहीं करना चाहते। हम आपको सिर्फ ये कहना चाहते हैं कि पिछली सरकार फाइनेंशियल फ्रंट पे पूरी तरह नाकाम रही और उसके जो मेजर और गलत आंकड़े पेश किए गए, झूठ बोलते रहे, और वो सारी बातें जो है क्रिस्टल क्लियर हमारे यहाँ पे हमारे समक्ष आ गई हैं और हम इस पे काम कर रहे हैं। अभी हमारी कमेटी के तीसरे मेंबर सांसद रविचंद्र कुमार जी आज नहीं थे, नेक्स्ट मीटिंग में वो भी आ जाएंगे, तो फुल मीटिंग जो है जल्दी विदिन 15 डेज करके और दो मीटिंगें हम करेंगे और उसके बाद अपने रिपोर्ट सबमिट करते हैं। सर शायद इनफेक्ट ये बोरिंग को लेके आए, ऋण लेने को लेके आए या डेट सिचुएशन को लेके, या पूरे पांच साल में पूरे फाइनेंशियल पहलू जो है या पूरे फाइनेंशियल पहलू हैं जिसमें जो भी फाइनेंसिस से जुड़ा हुआ मसला है वो सारा इसमें थ्रेड बेयर जो है वो उस पर जनता के दरबार में रख। सर कितने सालों का रिकॉर्ड हुआ है? देखिए, अब मैंने आपको ये कहा कि फाइनेंसिस का मसला है, कैबिनेट ने बहुत जिम्मेवारी से हमें ये जिम्मा सौंपा है, हम इसको सबको इतनी जल्दी आपके समक्ष नहीं रख सकते, हमें कैबिनेट के समक्ष रिपोर्ट रखनी देनी है और पब्लिक तभी होगा जब कैबिनेट उस पर मोहर लगाएगी। उसके बाद सर सिर्फ पांच साल का होगा, पिछले पांच साल का कि मैंने आपको कहा कि टर्म्स ऑफ रेफरेंस हमें कैबिनेट से मिले हैं, हम उन पे काम कर रहे हैं और आपको एक महीने के अंदर जैसे ही कैबिनेट इसको एक्सेप्ट करेगी आपके समक्ष आ जाएगा। क्या सिर्फ पिछले पांच साल या दस साल या बीस साल में जो फाइनेंशियल इरेगुलरिटीज हुई या मिस यूज ऑफ फंड हुआ या डाइवर्जन ऑफ, ये एक फोकल एरिया होगा या सर ये भी होगा कि सोर्स मोबिलाइजेशन या पीछे जो गलतियां हुई उनमें कैसे सुधार, वो भी सुधार? नहीं, सारे पहलू भी होंगे, रिकमेंडेशन भी होंगी, हर पहलू पे वर्क होगा। हम संसाधन कैसे अर्जित किए जा सकते हैं, कैसे हम आगे बढ़ सकते हैं, हम अपने और क्या क्या चीजें जो है खिलवाड़ हुआ है, रेवेन्यू जनरेशन तो एक मेजर फैक्टर है ही, तो इसलिए
इन सब पहलुओं पे एक बहुत विस्तृत चर्चा हुई है। लगभग मीटिंग आपने देखा, डेढ़ घंटा तक मीटिंग चली है और पूरी परिस्थितियों का आकलन किया जा रहा है। सर मुख्यतः किन क्षेत्रों या विभागों में रेगुलेटरी? नहीं देखिए, ऐसा है, देखिए जो ये कहा जा रहा था कि हिमाचल प्रदेश सरकार में साहस नहीं है व्हाइट पेपर रखने का, और जो है इसलिए राजनीतिक दृढ़ राजनीतिक इच्छा शक्ति से सरकार ने फैसला किया है कि प्रदेश के फाइनेंसियल के बारे में जनता को जानकारी होनी चाहिए, तो इसलिए वो जनता के दरबार में आएगा, लेकिन उससे पहले कैबिनेट की स्वीकृति के लिए कैबिनेट के समक्ष रखा जाएगा।